हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं किरण, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरू करते हैं भोलेनाथ के साथ। और आज के वीडियो में है दशहरा सेलिब्रेशन, और जो हमने यूके में मनाया। तो हम लोग निकल पड़े हैं अपने घर से, और आप देख रहे हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है, मेरे बाल किस तरह से उड़ रहे हैं। और ये एक हिल पे एक ये अरेंजमेंट था यहाँ यूके में, तो हम लोग सोच रहे थे एक बार जाके देख के आते हैं। तो ये देखिए, अभी यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ से हिल तक जाने के लिए शटल है। और ये है मेरी आज की ड्रेस, मैंने पहन रखी है स्कर्ट। और हम लोग शटल के आने का वेट कर रहे हैं, और फिर हम जाएंगे हिल टॉप पे, वहाँ पर ही सारा अरेंजमेंट है दशहरे का। तो ये संडे को ये सारा सेलिब्रेशन हो रहा है, इवन दशहरा निकल चुका है एक्चुअली। और हम पहुंच गए हैं हिल टॉप पर। ये देखिए, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, पूरा सिटी यहाँ से दिख रहा है, और ये उस सिटी के बाद आपको दिख रहा है समंदर। और ये है रावण और उसका भाई जिसको जलाया जाएगा आज। और बाकी देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ। और लेकिन बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, और मौसम ख़राब सा हो रहा था एक्चुअली। तो लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्राउड है, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और फूड स्टॉल भी लगे हुए हैं। तो एक बार मैंने ये आपको पूरा नज़ारा दिखा दिया, यहाँ से सिटी दिख रहा है पूरा, और उसके बाद समंदर। और ठंडा भी हो रहा था एक्चुअली, क्योंकि हवा बहुत बहुत तेज़ होती जा रही थी। अभी ये देखिए, आप मेरे बालों को देख के समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने म्यूट कर रखी है आवाज़, फिर मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ, नहीं तो मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं आती। और देखिए मेरे बाल कितने बेतरतीब उड़ रहे हैं इससे पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, और मौसम ख़राब सा होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं सोचा एक बार थोड़ा छोटा सा वीडियो ले लेती हूँ। तो ये जो यहाँ पर आके सारा फैशन इधर उधर हो गया, देखिए मेरे बालों को, ओफ। लेकिन अच्छा लग रहा था बहुत, क्योंकि बहुत सारे आए थे लोग। फील हो रहा था कि चलो हम लोग बाहर हो के भी, बाहर रह के भी, इंडिया से बाहर रह के भी हम लोग दशहरा सेलिब्रेट करने आए हैं, तो अच्छा लग रहा था। और आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करिए यहाँ। ये सारे ये मॉन्यूमेंट्स जो बने हैं, अभी मुझे इनका आइडिया नहीं है ये क्या क्या हैं, बस मैंने इनका वीडियो ले लिया है और आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये मैंने थोड़ा फ़ोटो शूट करवा लिया। तो ठंड भी बढ़ती जा रही थी, और यहाँ पर डांस प्रोग्राम भी हैं, हो रहे हैं, टेंट वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पर डांस प्रोग्राम हो रहे हैं। यहाँ साक्षी और मनोज भी हमारे साथ ही आए थे, तो वो भी हमारे साथ ही हैं, मतलब हम लोग मिलके सब लोग आए थे। ये यहाँ पर फूड स्टॉल है, और ये डांस प्रोग्राम भी यहीं हो रहा है, ये ट्रेंड सा दिख रहा है आपको। तो देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ। और बाकी लोग ये खाना, ये बेटू मेरे साथ है, ये हस्बैंड मेरे और मनोज फूड वो कुछ लेने के लिए, खाने के लिए लेने की लाइन में है, और मैं यहाँ थोड़ा सा मैंने सोचा सूट कर लूँ। और ये देखिए डांस प्रोग्राम पूरा, अंदर जो टेंट का जो जितना एरिया था सारा फुल था, कहीं जगह नहीं थी बैठने की, हम बाहर से देख रहे हैं, और मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। और ये मैं गाने नहीं चला सकती, क्योंकि ये कॉपीराइट का प्रॉब्लम होता है, तो मैंने म्यूट कर रखा है। और ओ सामी वाले गाने में चल रहा था इसके पहले, आपने वो स्टेप से अंदाज़ा लगा लिया होगा, और ये तो कुछ और ही गाना चल रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा था। तो ये मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ, यहाँ टेंट के बाहर से मैं देख रही थी। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कहेंगे। बस ये था कि वेदर ख़राब हो रहा था, तो हम लोग ज़्यादा रुकने के उसमें नहीं हैं, अब हम सोच रहे हैं हम घर चले जाएं, क्योंकि शाम तो हो गई है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और हवा बहुत तेज़ है यहाँ हिल टॉप पे। लेकिन ये देखिए परफॉर्मेंसेस हो रही हैं बहुत बढ़िया सी, और कई सारी तो निकल भी चुकी हैं, हमने नहीं देखा।
पूरा फील आ रहा है कि हम इंडिया में ही हैं लग रहा है। ये देखिए सब लोग यहाँ से टेंट के बाहर से देख रहे हैं, और बस हम ये देखिए बाहर का नज़ारा। अब हम लोग आ गए वहाँ से, अब हम सोच रहे हैं घर चले जाएं, तो मैं सोचा एक बार बाहर का वीडियो और ले लेती हूँ। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, ये सारे बच्चों के प्रेम वगैरह, कई सारे लोग आए हुए हैं। तो अच्छा है कम से कम सब लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं मिलके। तो देखिए कितने अच्छा सुंदर सा नज़ारा है, और देखिए मैंने कैप लगा ली, मुझे ठंड लग रही थी और बाल तो ऐसे उड़ रहे हैं, रुक नहीं रहे थे, ऐसे लग रहा था कि हम लोग उड़ जाएंगे इतने तेज़ हवा थी। और हम लोग जा रहे हैं वापस, तो आए तो हम शटल से थे, बट हम वापस जा रहे हैं पैदल, क्योंकि दूर नहीं है, बिल्कुल भी दूर नहीं था, तो हमने सोचा पैदल ही निकल जाते हैं, कौन वेट करेगा शटल का। तो बस अच्छे से बहुत मज़ा आया एक्चुअली वहाँ पर, लेकिन बस ये था कि वेदर ने थोड़ा सा मज़ा किरकिरा कर दिया। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, आज के यही वीडियो ख़त्म करती हूँ, तब तक बाय।